हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही अपना POC सेकंड। तो इसमें जो हमने फर्स्ट लेक्चर कवर करा था वो यहाँ तक कवर कर लिया था कि एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, साथ के साथ ऑर्बिटल पिक्चर एंड रेजोनेंस इन बेंजीन। तो इतना हमने देख लिया था। तो सेकंड जो पार्ट छूट गया था वो था हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर्स, या बोले तो हकल्स रूल जो है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि हम साथ के साथ जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ हिसाब से हम पढ़ रहे हैं कि आपको पता चल सके कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा हकल्स रूल जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आया है, देखिए एक बार ये पूछा गया था हकल्स रूल के बारे में। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरीके से आया था। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा गिव हकल्स थ्योरी विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो इस तरीके से आ जाता है। साथ के साथ यहाँ पे दूसरा इस तरीके से पूछ सकता है, डिफाइन एरोमेटिसिटी, 2 मार्क्स में आ जाता है। बाकी 2 मार्क्स में हकल्स रूल भी आ जाता है। हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी क्या है और हकल्स रूल क्या है। देखिए एरोमेटिसिटी ये जो है ऑर्गेनिक जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि बेंजीन है वो हमारा एरोमेटिक है बोले तो उसमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो नज़र आ रहे हैं ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बोले तो पाई बॉन्ड हैं, तो ये जो है ना डीलोकलाइज होते रहते हैं इस तरीके से। तो एक इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस या बोले तो एरोमेटिक कैरेक्टर। और अभी हम बात करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा हमको हकल्स रूल से। वैसे भी आपने जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ ही लिया होगा कि हकल्स रूल क्या है, फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट थे हमारे हकल, उन्होंने 1931 में जो कि हमारे जर्मन फिजिस्ट हैं, उन्होंने ये जो है रूल दिया था कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जो कि इन चारों पॉइंट को वो फॉलो करेंगे, यानी कि उनका ये रूल है उसको ये फॉलो करेंगे। सबसे पहले वो कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक कहने का मतलब यही है कि उसमें ऐसे साइकिल बनी हो, रिंग बनी हो। दूसरा, द कंपाउंड मोलिकुल शुड बी प्लेनर, प्लेनर या फ्लैट। फ्लैट कहने का मतलब है देखिए वो जो है टेट्राहाइड्रल ये नहीं होना चाहिए। सपोज जैसे कि कार्बन आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं ये कार्बन, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इधर ये दूसरे कार्बन के साथ बना रहा है, इधर ये दूसरे कार्बन के साथ बना रहा है। तो ये जो है ना ये एक ही प्लेन में है। आपने कुछ देखा होगा जैसे कि सपोज जैसे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर भी होती हैं, सपोज Cl है, एक ही आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से और एक इस तरीके से, यहाँ पे हम कुछ भी जोड़ दें ठीक है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये हमारा प्लेन है, यहाँ पे हम कुछ भी जोड़ दें CH3। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये जो है हमारा अबव द प्लेन है, ये जो है हमारा H यहाँ पे, ये बिलो द प्लेन है जो कि डेड डैश में नज़र आ रहा है, और ये जो है प्लेनर है बोले तो ये जो बीच में प्लेन है ये उसमें है। तो इसमें जो है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर वगैरह का कोई झंझट नहीं होता, वो जो है प्लेनर होते हैं, उनमें डायरेक्ट एक ही प्लेन में वो होते हैं। तो ये है इसकी तीसरा दूसरा पॉइंट। तीसरा है कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड, यानी कि रेजोनेंस उसमें होना चाहिए। रेजोनेंस कहने का मतलब है कि जो हमारे पाई बॉन्ड है वो जो है डीलोकलाइज होते रहने चाहिए, या बोले तो डल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये है इसका पॉइंट। और इसमें लास्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है देयर शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द मोलिकूल। कोई भी हमारा कंपाउंड, सपोज हमारी वही बेंजीन है, तो अगर बेंजीन को एरोमेटिक होना है ना तो उसमें जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो n जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 3 ये इंटीगर नंबर ये हो सकती है, 0.5 या फिर 1.5, 4.5 इस तरीके से वैल्यू नहीं होनी चाहिए ठीक है। तो बात करें जैसे कि बेंजीन है, तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं, जैसे कि हमने देखा था 1, 2, 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक इधर एक इधर, 2, 4 एंड 6 ठीक है। तो बात करते हैं जैसे कि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा बेंजीन, तो 4 और n जो है वो हमारा रिंग नंबर होता है कि एक रिंग है, बाकी जैसे कि नेफ्थलीन है इसमें हमारे 2 रिंग होती हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा n की जगह हमारा 2 आएगा। फिलहाल हमारे बेंजीन है तो n की जगह 1 वैल्यू भरी हमने, प्लस 2 पाई, तो 4 × 4 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो वही तो है, हमने देख रखे हैं कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हमारा ये एरोमेटिक है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। बात करें नेफ्थलीन की, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 2 रिंग हैं, तो 4 × 2 उसी में हमने भरा, प्लस 2
चार दुनी यहाँ पे 8 प्लस 2 तो कितना है यहाँ पे 10 पाई। तो वही यहाँ पे लिखा है सिंपली, जैसे कि अगर n की वैल्यू 0 है तो 2 पाई, यानी कि 4 × 0 = 0 + 2, यानी कि 2 पाई। यहाँ पे 1 है तो 4 × 4 + 2 = 6 पाई। और यहाँ पे अगर 10 है, सॉरी सॉरी, अगर यहाँ पे 2 है n की वैल्यू तो 4 × 2 यानी कि 8 + 2 यानी कि 10 पाई। अगर 3 है तो 4 × 3 12 + 2 यानी कि 14। तो अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इतने इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारा क्या है, वो हकल से बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे चार ये पॉइंट हैं। तो सिंपली यहाँ पे एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जांपल की बात करें, वही पहला हमारा बेंजीन है। तो वो देखिए बात करते हैं बेंजीन की साइक्लिक है कि नहीं। सिंपल सी बात है, साइक्लिक है। इसमें प्लेनर है, प्लेनर कहने का वही मतलब कि सारे जो भी एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में है। 2D स्ट्रक्चर है, कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं है, टेट्राहाइड्रल नहीं है वो। तीसरा है वो है कंजुगेटेड या रेजोनेंस उसमें है, हाँ बिल्कुल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये हमारा रेजोनेंस है। इसमें कंडीशन वही 4n + 2π इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं है। अभी हमने देखा था कि 4 × 1 एक रिंग है + 2π यानी कि 6π इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिंपल सा यानी कि 6π इलेक्ट्रॉन यानी कि वो हकल से रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा आप देखोगे नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में जो है दो यहाँ पर रिंग होती है बेंजीन की रिंग। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं कि साइक्लिक है कि नहीं है। बिल्कुल साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है। यहाँ पर देखोगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये भी हमारा कंजुगेटेड है। 4n + 2π इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दो रिंग है तो 4 × 2 + 2π यानी कि 4 × 4 = 8 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, 10π इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली यहाँ पे 10π इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा जो है हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही जो बेंजीन के जो हमारे डेरिवेटिव हैं, फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, बेंजिल डिहाइड है, टोलुइन है, तो यहाँ पे देखो कि सब में बेंजीन रिंग है। तो सिंपल सी बात है, वही 6π इलेक्ट्रॉन होंगे सभी के अंदर, यानी कि साइक्लिक तो है ही, कंजुगेटेड भी हैं, प्लेनर भी हैं, और 4n + 2π इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो ये था हमारा हकल्स रूल और उसके कुछ एग्जांपल मैंने बताए हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो सारे नोट्स वगैरह हैं आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल ही जाएंगे, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में, कैसे लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।